दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मैदा की बीमारियों से निजात हासिल करने का एक बहुत ही आसान और फौरी असर घरेलू नुस्खा बताने वाले हैं। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है और मैदा की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। अगर आपको खुराक ठीक तरह से हजम नहीं होती है, खुराक देर तक मैदा और पेट में पड़ी रहती है, पुरानी कब्ज का मसला है, पेट फूला हुआ गुब्बारे की तरह तना हुआ रहता है, पेट आगे की तरफ बाहर निकल आया है, तो आप कुछ दिन इस नुस्खे का इस्तेमाल करके देखें। इससे बड़ा हुआ पेट कम हो जाएगा, मैदा की गैस, तेजाबियत, भूख की कमी, ऐसी तमाम शिकायत दूर हो जाएंगी। मोटापा दूर करने के लिए, वजन को कम करने के लिए और जिस्म की फालतू चर्बी से निजात दिलाने के लिए ये बहुत ही कमाल के फायदे रखता है। इसके अलावा इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से खून की कमी दूर होती है, असाबी कमजोरी और पट्ठों की कमजोरी से निजात मिलती है। पट्ठों के दर्द, घुटनों के दर्द, हाथों, पैरों और कमर में दर्द भी इसके इस्तेमाल करने से दूर हो जाता है। तो आइए इस नुस्खे को बनाने का तरीका और तरकीब इस्तेमाल के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपने सौंफ, सफेद जीरा और देसी गुड़ तीनों चीजें बराबर वजन में पीस कर रख लें। हर खाने के बाद एक चम्मच मुंह में रखकर चूसते रहा करें। इसके खाने से मैदा, जिगर और फेफड़े साफ होते हैं, गले को साफ करता है, भूख पैदा करता है, मैदा को तकवीत देता है, हर तरह की कमजोरी इसके इस्तेमाल करने से बहुत जल्द दूर हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।